हेलो एवरीवन, आरआरबी में जो मिनिस्टर कैटेगरी के जो एग्जाम हुए हैं तो उनका जो जीएस का पेपर था, मैं उसको आज आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो इस जीएस पेपर में क्वेश्चन बहुत मॉडरेट आया था। तो पहला जो क्वेश्चन पूछा था आपसे आपसे पूछा था कि व्हाइट डेजर्ट जो है ये किस स्टेट में है। व्हाइट डेजर्ट हम लोग जानते हैं, व्हाइट डेजर्ट कहाँ है, गुजरात में है। रन ऑफ कच्छ जो है गुजरात के, उसे हम लोग व्हाइट डेजर्ट के नाम से जानते हैं, ठीक है। दूसरा आपसे क्वेश्चन पूछा था कि गारो हिल ये किस स्टेट में है आपका। तो गारो हिल आपका मेघालय में है। गारो और खासी दो तो जो हिल है, गारो खासी, ये आपका मेघालय में है। ये आपका किस स्टेट पे है, मेघालय स्टेट पे है। तीसरा क्वेश्चन जो आया था वो आपसे पूछा था कि मुगल डायनेस्टी के संस्थापक कौन है, ठीक है। मतलब मुगल डायनेस्टी किसने शुरू किया था इंडिया में। तो हमें पता है कि ये बाबर ने शुरू किया था। बाबर 1956 में इसने 1950 1956 में 26 इसने इब्राहिम लोधी, एक मिनट दिए, एक मिनट, इब्राहिम लोधी को पानीपत का जो बैटल हुआ था 1926 में, उसमें इब्राहिम लोधी के साथ पानीपत का जो बैटल हुआ था 1926 नहीं 1526 सॉरी 1526 में इब्राहिम लोधी के साथ जो बैटल हुआ था, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, इसमें इब्राहिम लोधी को हराकर बाबर ने भारत में मुगल डायनेस्टी, मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। वैसे अगर देखा जाए तो बाबर ने टोटल 1526, 1527, 1528 और 1529 में चारों साल में चार युद्ध लड़े थे। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत था, उसके बाद बैटल ऑफ खानवा था, देन बैटल ऑफ चंदेरी था, देन बैटल ऑफ घाघरा था। ये चार युद्ध लड़े गए थे बाबर द्वारा। नेक्स्ट जो है आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है आपका के के वेणुगोपाल। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि रेडियम, रेडियम जो हम लोग के पास एलिमेंट है इसका और क्या है, रेडियम किससे प्राप्त करते हैं हम लोग। तो रेडियम पिच ब्लेंड से प्राप्त किया जाता है, पिच ब्लेंड। देन नेक्स्ट क्वेश्चन था आपके पास वेस्ट टू एनर्जी स्टेशन कहाँ खोला गया है। वेस्ट टू एनर्जी स्टेशन ये आपका किस स्टेट पे पहली बार शुरू किया गया है। तो ये उड़ीसा के भुवनेश्वर में है, उड़ीसा के भुवनेश्वर में, उड़ीसा के भुवनेश्वर में आपका वेस्ट टू एनर्जी प्लांट शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आपका, ये साइंस से था कि आपका ये इनर्शिया से क्वेश्चन पूछा गया था कि फर्स्ट लॉ ऑफ इनर्शिया से क्वेश्चन था। मुझे क्वेश्चन तो प्रॉपर पता नहीं है, लेकिन ये फर्स्ट लॉ ऑफ इनर्शिया से पूछा गया था, ठीक है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ इनर्शिया हम लोग पता है, जड़त्व का नियम क्या होता है कि कोई भी बॉडी अपना अवस्था को तब तक बनाए रखना चाहेगा जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल कार्यरत ना करे, ठीक है। जैसे कोई भी इस तरह का एग्जाम्पल दे दिया होगा, ये बस जो है अचानक से स्टार्ट होता है तो ये पैसेंजर पीछे की ओर, जो पीछे की ओर क्यों विस्थापित हो जाता है, उसका शरीर पीछे की ओर क्यों विस्थापित हो जाता है। तो ये जड़त्व का नियम के आधार पर होता है, ठीक है। तो इसके ऊपर था। इसके बाद आपसे पूछा गया था कि गहीर माथा सेंचुरी कहाँ पर है। गहीर माथा सेंचुरी जो है ये आपका कहाँ पर है, गहीर माथा सेंचुरी। तो
तो कहीं माथा सेंचुरी आपका किस स्टेट पे है? ये आपका उड़ीसा स्टेट पे है, ठीक है, ये आपका उड़ीसा स्टेट पे है कहीं माथा सेंचुरी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, ये आपका पॉलिटी से था, लॉ ऑफ इक्वलिटी, लॉ ऑफ इक्वलिटी ये किस आर्टिकल में है? तो लॉ ऑफ इक्वलिटी है आपका आर्टिकल 14, पहला ये आर्टिकल जहां से हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं, आर्टिकल 14 लॉ ऑफ इक्वलिटी। देन 15 क्या होता है आपका? ये तो आपका लॉ ऑफ इक्वलिटी होता है, ये आपका लॉ ऑफ इक्वलिटी है। देन 15 क्या है? ये डिस्क्रिमिनेशन है, एबॉलिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, सेक्स या फिर कलर, उसका बेसिस पे जो डिस्क्रिमिनेशन होता है उसको, उसके बारे में है, डिस्क्रिमिनेशन के बारे में है। आर्टिकल 16 का अगर बात करें तो ये इक्वल अपॉर्चुनिटी इन एम्प्लॉयमेंट है, इक्वल अपॉर्चुनिटी इन एम्प्लॉयमेंट है। अगर आप 17 का बात करें, ठीक है, आर्टिकल 16 आपका इक्वल अपॉर्चुनिटी इन एम्प्लॉयमेंट, किसी भी जगह पर या फिर प्राइवेट हो या पब्लिक सेक्टर हो आपको समान अधिकार दिया जाएगा, ठीक है। और 17, आर्टिकल 17 आपका अनटचेबिलिटी के ऊपर है, ठीक है, अनटचेबिलिटी के ऊपर है, अनटचेबिलिटी के ऊपर है आर्टिकल 17। आर्टिकल 18 आपका है एबॉलिशन ऑफ टाइटल, एबॉलिशन ऑफ टाइटल। तो ये सब भी आप पढ़ के जाइएगा ताकि आपसे क्वेश्चन मिस ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आया था ये आपका परमानेंट सेटलमेंट के बारे में आया था, परमानेंट सेटलमेंट, परमानेंट सेटलमेंट जो या स्थायी बंदोबस्त है ये किस गवर्नर के समय आया गया, लाया गया था? तो पता है परमानेंट सेटलमेंट लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में लागू किया गया था, लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में, ये आपसे लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में लागू किया गया था। और लॉर्ड कॉर्नवालिस को हम लोग फादर ऑफ सिविल सर्विस भी कहते हैं, फादर ऑफ सिविल सर्विस, फादर ऑफ सिविल सर्विस भी कहते हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस को, ठीक है। और इन्हीं के समय में आपका ये गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल भी थे ना, और इनका अगर कार्यकाल आपसे पूछा जाए कि लॉर्ड कॉर्नवालिस का कार्यकाल कब से कब तक था, तो ये 1772 से लेकर 1785, लॉर्ड हेस्टिंग के बाद से लेकर आपका ये आए थे 1790, ये 1790 या 92 तक तक कुछ तक, ठीक है, तो मुझे इतना याद नहीं है अभी। तो ये सवाल आ सकता है कि फादर ऑफ सिविल सर्विस कौन है, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस है। इसके अलावा अच्छा ये 70, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है परमानेंट सेटलमेंट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि वर्ल्ड हॉकी चैंपियनशिप जो होने वाला है इंडिया में वो कहाँ पर होगा, वर्ल्ड हॉकी चैंपियनशिप कहाँ पर होगा, वर्ल्ड हॉकी चैंपियनशिप आपसे पूछा गया था कहाँ पर होगा। ये हमें पता है वर्ल्ड हॉकी चैंपियनशिप जो होगा, ये हॉकी चैंपियनशिप जो होगा ये उड़ीसा के भुवनेश्वर, और भुवनेश्वर में होगा, ठीक है, उड़ीसा के कहां पर होगा, भुवनेश्वर में होगा, भुवनेश्वर में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि जो नॉन कॉपरेटिव मूवमेंट है, हिस्ट्री से क्वेश्चन था, नॉन कॉपरेटिव मूवमेंट ये कब शुरू हुआ था, नॉन कॉपरेटिव मूवमेंट असहयोग आंदोलन, नॉन कॉपरेटिव मूवमेंट कब शुरू किया गया था, तो ये 1920 में, 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू किया गया था, ठीक है। इसके बाद एक क्वेश्चन क्वेश्चन पूछा गया था कि संवाद कौनदी क्या है, मतलब संवाद कौनदी ये इसके संस्थापक कौन है, तो संवाद कौनदी एक न्यूज़पेपर था, संवाद कौनदी क्या था, एक न्यूज़पेपर है, ये एक न्यूज़पेपर है जिसे राजा राममोहन रॉय ने, राजा राममोहन रॉय ने रिलीज किया था, ठीक है। और ये कब हुआ था आपका, ये 1819 में हुआ था, 1819 में राजा राममोहन राय ने इस न्यूज़पेपर को पब्लिश किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग।
एक आपसे डिजीज के बारे में पूछा था कि इनमें से कौन सा डिजीज है जिसे हम लोग वैक्सीनेशन के द्वारा नहीं रोक सकते हैं, ठीक है, वैक्सीनेशन के द्वारा नहीं रोका जा सकता है, ठीक है। तो वैक्सीनेशन के द्वारा जो डिजीज है उसको, उसमें ऑप्शन थे, उसमें ऑप्शन मुझे याद नहीं है, तो ऐसे सारे डिजीज जो वैक्सीनेशन के द्वारा नहीं रोके जा सकते हैं आप लोग थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट आपसे पूछा था कि कोरोजन जो होता है मेटल में, कोरोजन, ठीक है, कोरोजन जो होता है उसे किस तरह से आप प्रिवेंट कर सकते हो, या फिर हम लोग आयरन, आयरन के ऊपर किसका लेयर चढ़ाते हैं कोरोजन को रोकने के लिए। तो आयरन के ऊपर टीन का लेयर चढ़ाया जाता है, जिससे इस प्रोसेस को हम लोग टीनिंग भी बोलते हैं, इस प्रोसेस को हम लोग टीनिंग भी बोलते हैं। कोरोजन को रोकने के लिए आयरन के ऊपर टीन का लेयर चढ़ाया जाता है और इसे टीनिंग कहते हैं। वैसे ही अगर आप जिंक का लेयरिंग करते हो तो इसे गैल्वनाइजेशन बोलेंगे, गैल्वनाइजेशन बोलेंगे, ठीक है। ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग वाला टॉपिक आप थोड़ा पढ़ के जाइएगा। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था यूआरएल का एक्सटेंडेड फॉर्म क्या है, यूआरएल यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ठीक है, इसका यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर इसका फुल फॉर्म है। नेक्स्ट आपसे पूछा गया था कि कौन सा एलिमेंट हॉट और कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता है, कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो हॉट और कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता है। नॉट रिएक्ट विथ हॉट एंड कोल्ड वाटर, हॉट एंड कोल्ड वाटर के साथ कौन सा एलिमेंट रिएक्ट नहीं करता है। तो ये आपका एल्यूमिनियम और जिंक, ये दो मेटल है जो आपके हॉट वाटर और कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। आपको पूरा रिएक्टिविटी सीरीज अगर याद होगा तो आपको याद होगा लिथियम देन सोडियम, आपका रिएक्टिविटी सीरीज है, टॉप टू डाउन आने पर आपका रिएक्टिविटी क्या होता है, डिक्रीज होता है। देखिए हाइड्रोजन के नीचे जितना भी एलिमेंट है ना, हाइड्रोजन के नीचे जितना भी एलिमेंट है ये एसिड से रिएक्ट करने के बाद हाइड्रोजन गैस डिस्प्लेस नहीं करता है, ठीक है, ये भी आ सकता है। और यहाँ पर जैसे जैसे टॉप वाले एलिमेंट का रिएक्टिविटी ज्यादा होता है, जैसे नीचे आने लगे हम लोग इसका रिएक्टिविटी कम होने लगता है, ठीक है। तो ये एल्यूमिनियम और जिंक जो होता है ये आपका रिएक्ट नहीं करता है हॉट और कोल्ड वाटर के साथ, जो ऑप्शन में था, ठीक है। नेक्स्ट आपसे पूछा गया था कि मुंबई स्टॉक एक्सचेंज का स्थापना कब हुआ था, ये अच्छा क्वेश्चन था कि मुंबई स्टॉक एक्सचेंज का स्थापना कब हुआ था, मुंबई स्टॉक एक्सचेंज इसका स्थापना पूछा गया है कि इसका स्थापना कब हुआ था। तो इसका स्थापना आपका 1875 में हुआ था, 1875 में इसका स्थापना हुआ था। तो ये सारे क्वेश्चन जो कि एग्जाम में आए थे और उससे रिलेटेड सभी क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया है। आप इन टॉपिक्स पे अच्छा से फोकस कीजिए ताकि आपसे जो क्वेश्चन है वो मिस ना हो एग्जाम में। थैंक यू।